मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है। तो सॉर्टिंग होता है कि जब हम सेट ऑफ डेटा आइटम को असेंडिंग या डिसेंडिंग बढ़ते या घटते क्रम में जब राइट करते हैं तो इसको कहते हैं हमारा जो डेटा है वह सॉर्टिंग आइटम है। अरेंजमेंट ऑफ डेटा आइटम स्टूडेंट्स जब हम डेटा एलिमेंट्स बढ़ते या घटते का क्रम में राइट करते हैं तो इसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के लिए यहां पर कंप्यूटर साइंस में कई मेथड्स हैं, जैसे बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, रेडिक सॉर्ट। तो यहाँ पर अभी सेकेंड जो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर सिंपल बबल सॉर्ट के बारे में डिस्कस करने करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं बबल सॉर्ट क्या होता है। बबल सॉर्ट के अकॉर्डिंग कैसे हम डेटा एलिमेंट्स को जो एरे में स्टोर है उसको सॉर्ट करते हैं। आइए असेंडिंग ऑर्डर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी का रिवर्स 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यह हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है और यह घटते क्रम में है। तो आइए देखते हैं बबल सॉर्ट से हम डेटा कैसे सॉर्ट करते हैं। तो बबल सॉर्ट में हम डेटा को कई पास में कई स्टेप्स में सॉर्ट करते हैं। बबल सॉर्ट में पहले हम करते क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। यदि फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हम दोनों एलिमेंट्स को फर्स्ट एंड सेकंड को स्वैप करते हैं या इंटरचेंज करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट को इसी कंडीशन को फॉलो कराते हैं कि सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन थर्ड एलिमेंट। अगर ऐसा है तो इंटरचेंज, थर्ड एंड फोर्थ में थर्ड इज ग्रेटर देन फोर्थ एलिमेंट है तो इंटरचेंज, और लास्ट में n माइनस वन एलिमेंट
is greater than n element, then swell. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है। मान लेते हैं एक एरे है जिसका साइज है 5L, एक एरे है जिसका साइज है 5, 1, 2, 3, 5, एक एरे है स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट, इसे बोलते हैं पास वन। मान लेते हैं बेटा हमारा 15 है, 2 है, 11 है, 6 है, 3। ओके स्टूडेंट, एक एरे है, मान लेते हैं कि इसका इंडेक्स 0, 1, 2 हो गया, इसका नाम है ए। ओके स्टूडेंट, तो बबल चार्ट में करते क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से कंपेयर करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन सेकंड, तो कंडीशन फॉलो कर रहा है A0 is greater than A1, swap। यदि ऐसा है तो swap करेंगे, swap, तो second statement क्या आ जाएगा इसमें, यहां पर 2 आ जाएगा, तो यहां पर जो क्या होगा स्वैप होगा, क्योंकि यह एलिमेंट सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड एलिमेंट, तो यहां पर जो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 2, नाम हो जाएगा ये स्वैप हो जाएगा, तो 11, 15, 16, 3। अगले स्टेप में देखिए, यहां पर देखिए A1 ग्रेटर देन A2 इफ स्वैप इफ इफ, समझ रहे हैं, यदि कंडीशन फॉलो करेगा तब स्वैप करेंगे, नहीं फॉलो करेगा तो स्वैप नहीं करेंगे। आइए अब अगले स्टेटमेंट, यहां देखिए ए वाला बड़ा है 15 ग्रेटर देन 6, तो 15 जो है 3 इंडेक्स पर आ जाएगा और 6 2 इंडेक्स पर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये हमारा 0 इंडेक्स 1, 2, 3, 4, तो 11, 6, 15 and 3। अगले स्टेप में स्टेप
ना। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ए टू अलेवन सिक्स थ्री फिफ्टीन तो देखिए स्टूडेंट यहां पर हमारा जो एक पास जब कंप्लीट हुआ, फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से, थर्ड का फोर्थ से, फोर्थ का फिफ्थ से, तो यहां पर हमें देगा वन कंपेरिजन, टू कंपेरिजन, थ्री कंपेरिजन, फोर कंपेरिजन। जब फाइव एलिमेंट्स है तो फोर कंपेरिजन कराया, तब जाकर के एक एलिमेंट अपने सॉर्टेड पोजीशन पर पहुंचा। अब देखिए यहां पर फिफ्टीन क्या है, सॉर्टेड पोजीशन पर है, सॉर्टेड पोजीशन। लेकिन अगर टू अलेवन सिक्स थ्री अभी सॉर्टेड पोजीशन पर नहीं पहुंचा है, इसको क्या करेंगे, अगेन इसी प्रोसेस को क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकेंड पास में अगेन करेंगे इसको, फिर यहां से जो है इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। तो फर्स्ट पास में हम फोर्थ कंपेरिजन किए हैं, जब सेकेंड टाइम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे तो थ्री टाइम करेंगे, उसके बाद टू टाइम करेंगे और उसके बाद वन टाइम करेंगे। यह हो गया पास वन, पास वन में एक घंटा सॉर्टेड हो गया। आइए अब पास टू करते हैं, मतलब आगे इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जो है पास टू में आते हैं, तो जो भी हमारा फर्स्ट पास का सॉर्टेड एरे है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो इसमें जो है देखिए कितनी बार हम कंपेरिजन करते हैं, ये हमारा यहां पर स्वयं थर्ड डिजिट में ए जीरो वन टू थ्री स्वयं गया, तो यहां पर टू सिक्स अलेवन थ्री फिफ्टीन। अगले स्टेप में किसको करेंगे,
पास मतलब फर्स्ट जब लूप चलाया तो फोर टाइम चलाया, सेकेंड टाइम कितनी बार चल रहा है, एक कम चल रहा है, तो सेकेंड पास में दो एलिमेंट स्टार्टिंग पोजिशन पर आ गए। यहां पर हम देख रहे हैं कि जीरो वन टू थ्री फोर, तो फर्स्ट पास में फोर कंपैरिजन, सेकेंड पास में थ्री, थर्ड में एक और कम हो जाएगा, ध्यान दे देते हैं टू सिक्स ए जीरो ग्रेटर देन ए वन, नो स्क्वायर, इसका स्टेप वन टू, टू थ्री सिक्स अलेवन फिफ्टीन, तो देखा जाए से अब हमारा जो है थ्री एलिमेंट फिफ्टीन अलेवन सिक्स साइड पोजिशन पर आ गया, पास थ्री है तो इसमें जो है दो बार कम पड़ जाए और पास अगला पास रहेगा, अगले पास में एक बार कम पड़ जाए और कराएंगे, ओके। हालांकि हमारा बेटा सॉर्टेड हो गया लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसमें सॉर्टेड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, स्टेप अप्लाई करेंगे, ऑलरेडी बेटा भले सॉर्टेड हो, सॉर्टेड होगा तो कंडीशन फेल हो जाएगा। Thank you.
या फोर फेज में स्टार्टेड होगा। अगर एरे का साइज फोर है, सॉरी फाइव है, तब फोर फेज में स्टार्ट होगा। ओके, और धीरे धीरे हम फेज आगे बढ़ते जाएंगे और पास की वैल्यू क्या करेंगे, पास आगे बढ़ेगा, इनर लूप क्या होगा, एक एक कम होता जा रहा है। तो आइए इसको हम प्रोग्रामिंग भाषा में इंप्लीमेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी को प्रोग्रामिंग भाषा में देखिए कैसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जैसा कि हेल्थ रिपोर्ट यस बीबी आईओ डॉट यस में ये लगा लेना है। वायर मेन लगा लेना, आई एन टी एक एरे ले ले लेना स्टूडेंट, साइज फाइव वही डेटा ले लेते हैं, फिफ्टी टू अलेवन थ्री थ्री जीरो चला रहे हैं। पास लेस देन आर इक्वल टू आपका हो जाएगा और थ्री माइनस पास ये प्लस प्लस। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम टेस्ट करें। अब देखिए ध्यान से,
जेथ एलिमेंट को जेथ प्लस